अस्सलाम वालेकुम, एम आई क्लियरली ऑडिबल? ऑडियो ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद वर्सीम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटेरिक फीवर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज टाइफाइड फीवर। बोथ द नेम्स एंटेरिक फीवर एंड टाइफाइड फीवर के लिए हम यही कहेंगे जो नाम वही पहचान। टाइफाइड फीवर is called because of the bacteria from which causes this fever, that is Salmonella typhi, and Salmonella typhi से ही typhoid fever आया। And enteric fever इसको इसलिए कहेंगे because ये mainly आपके gastrointestinal tract को involve करता है, intestine को involve करता है, तो इसलिए इसको कहेंगे enteric fever। So it is also known as enteric fever and is caused by Salmonella typhi and Salmonella paratyphi. Paratyphi जो है वो टाइफी का भाई ही है, छोटा भाई है। जो साल्मोनेला टाइफी फीवर काज करेगा वो ज़्यादा स्पियर होगा, जो पैराटाइफी करेगा वो निस्बतन कम स्पियर होगा, बट बोथ काज द टाइफाइड फीवर। एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज मोस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक आवर्स, एंड इट काज मोस्ट ऑफ द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। इट इज़ अ फूड वाटर बॉर्न डिजीज, मीन ये खाने पीने की चीज़ों से ही फैलता है टाइफाइड फीवर। एंड द बैक्टीरिया डिपॉजिटेड इन द वाटर और फूड बाई अ ह्यूमन कैरियर एंड द स्प्रेड टू द अदर पीपल। इस स्लाइड पे जो है उसमें मेन चीज़ यही है कि टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेरिक फीवर एंड कॉजेटिव एजेंट इज अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी, ऑल्दो साल्मोनेला पैराटाइफी कैन ऑल्सो कॉज टाइफाइड फीवर। So cause of infection is a bacteria which is Salmonella typhi and it belongs to the family of Enterobacteriaceae. It is a gram negative rod and it grows best at 37 degree centigrade. 37 degree centigrade as you all know is our normal body temperature. So typhoid fever ke liye Salmonella typhi jo hai uske liye hamari body ek ideal एनवायरमेंट ग्रो करने के लिए बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट्स ट्रांसमिशन इज फ्रॉम फिकोरल रूट। क्या होता है, एनी पर्सन हु इज इन्फेक्टेड हु इज अफेक्टेड विद टाइफाइड फीवर ही और ही एक्सक्रीट्स एक्सक्रीट्स द ऑर्गेनिज्म इन द स्टूल एंड देन दीज ऑर्गेनिज्म आर डिपॉजिटेड इन द वाटर। और जब सीवेज अगर वो उसी के ज़रिए जैसे हमारी सब्जियों को सीवेज वाला पानी दिया जाता है तो उसकी कंटेमिनेट होंगी, जब वही कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स या मीट या कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो उसके बाद वो हमारे जिस्म में आएंगे। तो इस तरह ये ट्रांसमिट होता है फीकोरल, एक बंदे के फेसेस में निकला, दूसरे बंदे ने ओरल रूट से उसको लिया और उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन कर देगा। सो ट्रांसमिशन इज थ्रू फीकोरल रूट एंड इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड विद क्लोज कंटेक्ट विद पेशेंट्स आर द कैरियर्स and from drinking contaminated water or eating contaminated food, and flies and cockroaches can also cause the transportation of this bacteria from one place to the other, or uske zariye bhi enteric fever ya typhoid fever ho sakta hai. Next question is the typhoid fever contagious? Contagious matlab hota hai ek se dusre ko lagna. Yes, it is highly contagious. An infected person can cause the bacteria out of body and their stool feces mein pass karegi. Jaise pehle baat hui hai ki jo bhi infected banda hoga wo apne feces mein bacteria pass karega and in turn it contaminates the water supply, tainting the food supply. The bacteria can survive for weeks in water of or dried sewage. So it is a contagious disease. Ek bande se dusre ko lagti hai. किस तरह कि वो फिकोरल रूट के थ्रू, जो पहले हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका पढ़ चुके हैं फिकोरल रूट है तो उसके थ्रू ये लगती है। सो विच पीपल गेट टाइफाइड फीवर, इसमें तीन चार किस्म के लोग हैं जिनमें टाइफाइड फीवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। द पीपल हु आर ट्रेवलिंग टू द एंडेमिक एरियाज लाइक आवर्स, जैसे कोई बाहर से इंग्लैंड अमेरिका से पाकिस्तान इंडिया आ रहा है तो उनमें यहाँ पे आके एंटेरिक फीवर टाइफाइड फीवर होने के चांस ज़्यादा होंगे। Those people who work as clinical microbiologists handling Salmonella typhi bacteria, doctors, medical staff जो labs में काम करता है where these bacteria are grown, उनमें chance ज़्यादा होता है typhoid fever आने का।
those who have close contact with someone who is infected or has recently been infected with typhoid fever, घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको इंडायरेक्ट फीवर हो गया है, तो उसके साथ रहने वालों को इंडायरेक्ट फीवर होने के चांस ज़्यादा होंगे. एंड दोज हु आर ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर एंड विच इज कंटेमिनेटेड बाई द सेवेज कंटेनिंग सलमोनेला टाइफी. तो ये चार किस्म, मतलब सलमोनेला टाइफी जहाँ पे भी होगा वहाँ वाले लोगों को इंडायरेक्ट फीवर या टाइफाइड फीवर होने के चांस ज़्यादा होंगे. उसमें कौन कौन से होंगे? पीपल ट्रेवलिंग टू द एंडेमिक एरियाज, पीपल वर्किंग इन द लैब्स, people who have close contact with the infected persons, or people who are drinking contaminated water or eating contaminated food. So the how long a person with typhoid fever remains contagious? The duration varies from days to years, and about 3 to 5% of the people become carrier of the bacteria. जो बाद में भी एक्यूट इलनेस होगी, फीवर सेटल हो गया, उसके बाद वो कैरियर रहते हैं, सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म उनके अंदर हार्ड वर्क कर रहा होता है, वो कभी भी आपको दूसरे बंदों को इन्फेक्ट कर सकते होते हैं, तो उनको कहते हैं कैरियर्स. सो व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? द कंटेमिनेटेड फूड इज इंजेस्टेड, इंजेस्टिंग बेसिलस, एंड दीज बेसिलाई इनवेड द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा and are taken up by the macrophages and transported to the regional lymph node. हमने खाना खाया, खाने के साथ हमने बेसिलस दिया जो कौन सा था, सलमोनेला टाइफी था, हमारे इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा में जो सेल्स थे, मैक्रोफेजेस थे, एम सेल्स और मैक्रोफेजेस, वहाँ पे क्या हुआ कि ये उन्होंने इसको लिया, वहाँ से रीजनल लिम्फ नोड्स में गया, सॉरी रीजनल लिम्फ नोड्स में गया, एंड फ्रॉम देयर सलमोनेला टाइफी मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हुआ. इट इंटरैक्ट्स विद द एंटेरोसाइट्स एंड एम सेल्स, जो आईलियल पीरे पिचेस होते हैं उसमें एम सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट टू थर्ड वीक ऑफ इनक्यूबेशन पीरियड, और उसमें फर्स्ट सेकेंड वीक में ये जाके आफ्टर सेकेंड फर्स्ट वीक तो ये डायरिया काज करेगा. किस वजह से? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद द एम सेल्स एंड एंटेरोसाइट प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. After the end of the incubation period, bacillus enters the bloodstream, causing the primary bacteremia. And वहाँ से जब ब्लड में एक दफ़ा बैक्टीरिया आ गए हैं तो फिर क्या हुआ, तो वो हर जगह चले जाएंगे, गाल ब्लडर में चले गए, बिल्डिंग सिस्टम में, लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द बावल एंड मल्टीपल इन हायर नंबर, एंड अल्टीमेटली दे आर पास्ड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो ये छोटा सा इसका ऐसा समझे लाइफ साइकिल समझ लें कि ह्यूमन के अंदर ये क्या क्या करते हैं. सबसे पहले हम इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑर्गेनिज्म किया, वहाँ से इट इज टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स. इट मल्टीप्लाइज इन रीजनल लिम्फ नोड्स फ्रॉम वेयर इट कैन इंटरेक्ट विद द एम सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग डायरिया, और जब लिम्फेटिक्स के थ्रू ये अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई में आएगा इट कॉजेज बैक्टीरिमिया, एंड बैक्टीरिमिया जब हो गया, ब्लड में बैक्टीरिया पहुंच गया, तो फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा. मेनली जो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे उसमें लिवर होगा, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है, लिवर स्प्लीन एंड ये क्या हुआ भाई, लिवर स्प्लीन एंड बोन मैरो, देन अल्टीमेटली दे आर पास्ड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो पैथोजेनेसिस की जब बात करेंगे वही बात है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. सलमोनेला टाइफी आउट टेकन अप बाय द एम सेल्स, ये इंटरसाइट लाइनिंग टर्मिनल आइलियम है जहाँ पे ये हमारे सेल्स के अंदर आ गया, जो बैक्टीरिमिया है वो उसके सॉरी बैक्टीरिया है वो उसके अंदर आ गया. हियर पैचेस एंड रेजिडेंट मैक्रोफेजेस इनगल्फ देम एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द रीनल लिम्फ नोड व्हिच आर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स. From there, it causes primary bacteremia, causing the spread of organism from throughout the body, mainly liver, involving the liver, bone marrow, and spleen. From there, it causes secondary bacteremia, leading to widespread dissemination. और लीवर से कुछ भी होते हैं इंटायरो हेपेटिक बिलरी सर्कुलेशन के थ्रू वो वापस आपके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं डायरेक्ट सेक्रेटेड इन द स्टूल. सो वट इज़ द इनक्यूबेशन पीरियड? इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब आपके जिसम में बैक्टीरिया और एनी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट बट इज नॉट काजिंग सिम्टम्स. सो इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ इंटरेक्ट फीवर इज 4 to 14 days, मीन्स इफ यू हैव इंजेस्टेड सलमोनेला टाइफी 4 days बैक यू कैन गेट यू कैन हैव सिम्टम्स
टुडे और आफ्टर 10 days, मींस 4 से 14 days के दौरान कभी भी आपको सिम्टम्स आ सकते होते हैं। तो व्हाट आर द क्लिनिकल सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स विच यूजली अकर इन द इंटरेक्ट फीवर? Talking about week wise, but talking about the symptoms in the enteric fever during the first week, there is slowly rising, जिसको हम typical step ladder fashion of fever कहते हैं, वो temperature होता है for 4 to 5 days. Then there is abdominal pain and myalgias, malaise होगा, ये सारे जो constitutional symptoms होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे, malaise होगा, headache, constipation and relative bradycardia. इंटरिक फीवर में कॉन्स्टिपेशन इज मोर कॉमन देन डायरिया, ये फर्स्ट वीक में हमारे पास कॉन्स्टिपेशन आएगा। देन आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक देर आर रोज स्पॉट्स मे अपियर ऑन द अपर अबडामिन, रोज स्पॉट्स आर द स्मॉल पिंकी स्पॉट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर अबडामिन एंड ऑन द बैक, बट ये बहुत ट्रांजियंट होते हैं एंड आर सीन इन वेरी फ्यू पेशेंट्स। Cough, dry cough may be there, spleen valley may develop, abdominal distension with tenderness may be there, and patient may develop diarrhea. ये सारा कुछ first week में हो रहा है। During second week, same symptoms continue and progress. And at the end of the second week, if the patient is left untreated, complications like CNS infections occur and causing delirium and coma and death. This typical पैटर्न इज मोर प्रोनाउंस इन एडल्ट्स। ये तो आपका स्टेप लैडर फैशन वाला फीवर था, स्टेप लैडर फैशन वाला फीवर, दिस इज मोर प्रोनाउंस्ड इन एडल्ट्स। बच्चों में हमारे पास इतना ये स्टेप लैडर टिपिकल नहीं आता। दीज आर द रोज स्पॉट्स विच आर स्लाइटली रेज्ड, रोज रेड स्पॉट्स विच फेड ऑन प्रेशर, इट इज यूजुअली विजिबल ओनली ऑन वाइट स्किन। तो ये अपर ट्रंक और बैक पे हो सकते हैं। ड्यूरिंग द थर्ड वीक द पेशेंट बिकम्स टॉक्सिक एंड एनोरेक्सिक, भूख खत्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा सिक लुकिंग हो जाता है, देयर इज सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड देयर इज टाइफाइड स्टेट, जिसे जिसमें एपैथी होगी, बिल्कुल विदाउट एनी मोशन कन्फ्यूजन होगी एंड साइकोसिस होगा, देयर इज हाई रिस्क ऑफ हेमरेज एंड परफोरेशन कॉजिंग डेथ। तो ड्यूरिंग थर्ड वीक मेनली कॉम्प्लिकेशन का खतरा होता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड वीक एंड ड्यूरिंग द थर्ड वीक, फोर्थ वीक इज द रिकवरी पीरियड। If the individual survives the fourth week, the fever, mental state and abdominal distension slowly improve over a few days. Fever bhi theek ho gaya, mental state bhi theek ho gaya and abdominal distension also improves. Intestinal and neurological complications may still occur in surviving untreated individuals. The patients who were not treated for their enteric fever developing neurological or intestinal complication can still have these complications. Weight loss and debilitating weakness last month, बहुत अच्छा लग जाता है सर्वाइव उसको वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में। Some survivors become asymptomatic, some will develop carriers and have the potential to transmit. पहले कैरियर की, क्रोनिक कैरियर की बात हो चुकी है, that they become asymptomatic after the acute illness and they become chronic carrier, क्योंकि उनके अंदर salmonella typhi या bacteria मौजूद होता है, but they are not causing disease at that particular time. So common symptom in children are, सबसे common symptom is high grade fever which is present in about 95% cases. Coated tongue is present in 76%, anorexia, vomiting, hepatomegaly, diarrhea, toxicity, pain, abdomen, pallor, splenomegaly, constipation, all of these are present in a patient with enteric fever. टाइफाइड फीवर सिम्टम्स यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा उनको दिखाया गया, हाई फीवर होगा, हेड एक होगा, वीकनेस होगी, ड्राई कफ, स्टमक पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है एंड दे रोज स्पॉट्स। टॉकिंग अबाउट पैराटाइफाइड फीवर, द कोर्स टेंड्स टू बी शॉर्टर एंड माइल्डर देन दैट ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड द ऑनसेट इज ऑफन मोर अब्रप्ट विद एक्यूट एंटेराइटिस। सो देर इज मोर डायरिया इन केसेज ऑफ पैराटाइफाइड फीवर देन एज कम्पेयर टू टाइफाइड फीवर। The rash may be more abundant and the intestinal complication less frequent. So, ये हमारे अगर differentiating points की बात करेंगे, there is abrupt onset with acute enteritis. Rash is more abundant, but intestinal complications are less in paratyphoid fever as compared to typhoid fever. So, what are the complications which may develop in a patient with enteric fever? System wise, जब हम बात करेंगे, talking about bowel complications of in the bowel. It can lead to, enteric fever can lead to perforation and hemorrhage.
और परफोरेशन जब हो गई, अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, आपने सर्जरी में पढ़ लिया होगा, तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो होता है सर्जिकल ही होता है। इसको फिर हम मेडिकली सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में इसके सर्जरी ही रिक्वायर्ड होती है। सेप्टिसीमिया काजेज बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, मेनिनजाइटिस एंड कोलिसिस्टाइटिस। टॉक्सिक फिनोमेना काजेज मायोकार्डाइटिस एंड नेफ्राइटिस, एंड क्रोनिक कैरियर कैन काज परसिस्टेंट गॉलब्लैडर कैरेज। नो, इट इज वी हैव सीन द पैटर्न ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सालमोनेला टाइफी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, वी हैव टॉक्ड अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। नाउ वी आर ऑन टू द डायग्नोसिस। जब भी आप सारा कुछ ये करेंगे किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज में, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो है क्या, किस वजह से हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या, साइन सिम्टम्स क्या होंगे, और फिर उसको डायग्नोज कैसे करना है। एज अ डॉक्टर हमारा डायग्नोज करना मेन पर्पस होता है। सो फॉर डायग्नोसिस, मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस इज पॉजिटिव कल्चर। वो कल्चर कहीं से भी होगा, जैसे ये नीचे हेडिंग्स में आप लोग देख सकते हैं, ब्लड कल्चर, यूरिन, स्टूल, बोन मैरो, कल्चर कहीं से भी हो, लेकिन हमें डायग्नोसिस के लिए कल्चर चाहिए होता है। सो टॉकिंग अबाउट ब्लड कल्चर, रिजल्ट ऑफ ब्लड कल्चर आर पॉजिटिव इन 40 to 60% ऑफ पेशेंट्स सीन इन अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिजीज। एंड सीरियल ब्लड कल्चर मे बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई सालमोनेला बैक्टीरिया। ब्लड कल्चर आमतौर पर हमारे पास पॉजिटिव नहीं आते, रीज़न बीइंग कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो पहले ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ लेके आया होता है, एंटीबायोटिक्स लेके आया था, जिसकी वजह से ब्लड कल्चर नेगेटिव हो जाता है। बट इफ द ब्लड कल्चर टू बी पॉजिटिव, तो ये सिर्फ 40 से 60% केसेस में शुरू में आएगा। इनिशियली 90% तक जाता है, लेकिन विद इन फर्स्ट वीक ये 60 ड्रॉप्स डाउन टू 40 to 60%। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी इज डन आफ्टर द फर्स्ट वीक ड्यूरिंग सेकेंड और थर्ड वीक। द स्टूल कल्चर रिजल्ट इज ऑल्सो क्लिनिकली पॉजिटिव ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, लेकिन ये कि मेनली जो स्टूल कल्चर करते हैं वो सेकेंड या थर्ड वीक में करेंगे। बोन मेरो कल्चर, बोन मेरो कल्चर में इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन, बट इसका नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ बोन मेरो कल्चर इज दैट इट इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर। तो इन्वेसिव प्रोसीजर हम नहीं करेंगे, हम ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, इन चीज़ों पर रहेंगे, लेकिन अगर रिक्वायर्ड होगा तो फिर हम बोन मेरो कल्चर पर जाएंगे। अदर टेस्ट इंक्लूड टाइफिडॉट टेस्ट, उसे कहते हैं। दिस इज लुकिंग फॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट द साल्मोनेला टाइफस एंटीजेंस, एंड इट इज इट देयर कैन बी एम टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन और जी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। जो एम टाइप होती है वो एक्यूट फेज को शो करेंगी, एक्टिव डिजीज को शो करेंगे, और जी जो है वो प्रीवियस इन्फेक्शन को शो करेंगी। देन देर इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज 90% सेंसिटिव अनलेस अंटिल आफ्टर 5 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से 5 दिन से पहले, मतलब 5 दिन तक वो उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो 90% के अराउंड होती है, बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक द सेंसिटिविटी डिक्रीजेस to less than 50%. It measures antibodies against O and H antigens of the salmonella typhi. There are two types of the antigens of salmonella typhi. They are O and H antigen, and Vidal test measures antibodies against O and H antigens. It is an old test. आजकल हाँ बहुत काम किया जाता है हमारे यहाँ, आजकल हमारे पास जो किया जाता है वो एंटीबॉडीज ज़्यादा देखी जाती हैं, वो एंड विडाल टेस्ट ज़्यादा नहीं किया जाता। अदर टेस्ट विच कैन बी यूज आर पंच बायोप्सी सैंपल ऑफ द रोज स्पॉट्स। अगर रोज स्पॉट्स प्रेजेंट है तो उसकी अगर आप बायोप्सी लेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी 63% है, या अगर कोई क्लाट, ब्लड क्लाट है तो उसकी अगर आप सैंपल लेंगे और उसका कल्चर करेंगे तो उसकी जो यील्ड होती है वो ब्लड कल्चर के साथ मिला के आप यील्ड कैन बी इंक्रीज। अदर टेस्ट विच आर सीरोलॉजिकल टेस्ट, CBC कम्प्लीट ब्लड पिक्चर शोज अनिमिया, ESR is increased, there is thrombocytopenia meaning decreased platelet count, and lymphopenia may be present. Mainly lymphopenia hota, but there can be lymphocytosis as well. Slightly elevated prothrombin time and activated partial thromboplastin time, ye dono jo LFTs hain ye thode se derange honge. There is decreased fibrinogen level and liver transaminase and bilirubin are increased. There will be mild hyponatremia and hypokalemia. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोकलीमिया होगा।
serum ALT to LDH ratio of more than 9 to 1 shows viral hepatitis, and more than less than 9 to 1 shows typhoid hepatitis. दो जो hepatitis होता है वो viral हो सकता है या फिर typhoid की वजह से भी liver पे जो होता है effect उसकी वजह से, but ALT is not raised as much as in viral hepatitis. तो उसमें अगर ALT to LDH ratio हम देखेंगे, if it is more than 9:1 then we will suspect viral hepatitis, and if it is less than 9:1 then we will look for typhoid or enteric hepatitis. Now we have made the diagnosis, now we come to the treatment of the of a patient with enteric fever. There are some general management plans, just make adequate rest. We give 2 to 3 days of bed rest, complete bed rest to a patient of enteric fever. Hydration is important to so that there are no imbalances of the electrolytes and fluids. Medical care include antibiotics, and they are critical to minimize the complications. Antipyretic therapy is needed. Paracetamol or acetaminophen is given at 10 to 15 milligram per kg every 4 to 6 hours as needed, and it is needed to subside the fever. Corticosteroids are only needed for severe typhoid fever. Iski indication hum aage dekhenge. Diet mein hum hamesha ab dekhen in enteric fever or typhoid fever your intestine is involved. तो एक अगर हम सीधा सा सोल बना रहे तो जब भी intestine का infection होगा तो हमारे intestine को rest मिलना चाहिए, and for that a soft easily digestible diet should be continued unless the patient has a pulmonary dissension or ILS. अगर patient को या बच्चे को ILS नहीं हुआ, abdominal distension नहीं हो रही, कोई complication नहीं हो रही, तो आप safely उसको soft diet दे सकते हैं. But if there is any abdominal distension or development of any complication, तो फिर हमें feed hold करनी पड़ेगी. Surgical care is needed only in the cases of intestinal perforation, वो हम पहले बात कर चुके हैं. So the antibiotic therapy in typhoid fever, one is uncomplicated typhoid fever. Other is severe typhoid fever. Severe typhoid fever is with complications, जिसमें आपका stupor, coma, ये वो सारा कुछ आ गया है. And uncomplicated is only involving the intestinal tract, or intestinal fever है और intestinal tract के आपके पास signs symptoms आ गए हैं और जो हमने पढ़े हैं उसमें थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन कोई complication नहीं है. तो और उसके बाद होता है कि there may be resistance to the antibiotics. तो उसकी बेस पे तीन कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है कि वेदर द साल्मोनेला टाइफस इज फुली सेंसिटिव और इट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और क्विनोलिन रेजिस्टेंट. इफ द पेशेंट इफ द टाइफाइड साल्मोनेला टाइफस इज फुली सेंसिटिव देन द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज क्लोरामफेनिकोल और अमोक्सिसाइक्लिन. एंड अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स इंक्लूड फ्लोरोक्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स. एंड इफ इट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वो होता है जो फर्स्ट लाइन को रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहेंगे. देन वी विल स्विच टू फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे सिप्रो ओफ्लॉक्सासिन एंड सेफ्रिक्साइम, एंड अल्टरनेटिव ड्रग्स इंक्लूड अजिथ्रोमाइसिन. क्विनोलोन रेजिस्टेंट ड्रग्स में हम साफ ज़ाहिर है फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं दे सकते, तो उनमें हम एक तो अजिथ्रो देंगे और सेकेंड सेफ्ट्रैक्सोन देंगे, और उसकी डोज जो होती है थोड़ी सी इंक्रीज कर देते होते हैं. अगर इफ द पेशेंट इज हैविंग सीवियर टाइफाइड फीवर एंड इज कॉम्प्लिकेटेड देन फुली सेंसिटिव विल बी गिवन फ्लोरोक्विनोलोन्स. सिप्रो को फर्क नहीं पड़ रहा तो वी विल गो टू ओफ्लॉक्सासिन. अब ये देखें फ्लोरोक्विनोलोन्स फुली सीवियर में फर्स्ट लाइन आ गया, एंड क्लोरामफेनिकोल एंड एमोक्सिसिलिन आर अल्टरनेटिव ड्रग्स. तो अगर सीवियर है तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स से स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल शिफ्ट टू क्लोरामफेनिकोल और एमोक्सिसिलिन इफ नीडेड. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है तो फिर उसमें फ्लोरोक्विनोलोन ही देंगे, एंड सेफ्ट्रैक्सोन इज एन अल्टरनेटिव ड्रग. क्विनोलोन रेजिस्टेंट साधारण हम फ्लोरोक्विनोलोन नहीं दे सकते, वी विल स्विच डायरेक्टली टू सेफ्ट्रैक्सोन और सेफ्ट्रैक्सिम, एंड अल्टरनेटिव ड्रग्स आर अजिथ्रोमाइसिन और इवन फ्लोरोक्विनोलोन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रोनिक कैरियर. If we are dealing with a patient who is chronic carrier for Salmonella typhus bacteria, then what treatment should be given? The treatment is longer, which is of 4 to 6 weeks of duration, and it
is given as a high dose of ampicillin or amoxicillin, and probenecid or ciprofloxacin can also be used. We talk about steroid use in severe enteric fever. So what are the indications of steroids in enteric fever? They are severely ill patient with shock or with stupor or coma. Dexamethasone, which is a steroid, is given at 3 mg per kg for first dose, and then it is given at 1 mg per kg every 6 hours for 48 hours. मतलब तकरीबन इसकी कितनी डोजेस बन गई, 8 डोजेस हम देंगे 2 दिन के अंदर अंदर 6 आवर. What is the prognosis of the typhoid fever? The prognosis of a patient with enteric fever depends upon the rapidity of diagnosis and institution of appropriate antibiotic. कि कितना जल्दी हमने डायग्नोसिस बनाया और कितना जल्दी हमने appropriate antibiotic स्टार्ट किया. पेशेंट्स की एज पे डिपेंड करेगा, जनरल स्टेट ऑफ द हेल्थ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो होगा, जो लीन वीक होगा तो उसमें ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आएंगे इनडायरेक्ट के. न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, द कास्ट ऑफ साल्मोनेला सीरोटाइप, अगर वो टाइफस है तो वो ज़्यादा सीवियर होगा, अगर पैराटाइफ है तो वो कम सीवियर होगा. द अपीयरेंस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, वेदर देयर आर कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट. Infants and children with underlying malnutrition and patients infected with multi-drug resistant isolates are at higher risk of adverse outcomes. जो patient जो है malnourished होंगे या जिनमें multi-drug resistant organism होगा तो उनमें adverse outcome होने के chance ज़्यादा होंगे. 2-4% of infected children may experience relapses after initial clinical response to treatment. कि एक बंदा जो हमारे पास आया है ठीक होके गया है लेकिन वो रिलैप्स होके आ गया टाइफाइड फीवर का, तो ये 2-4% केसेस में इस तरह होता है. इन व्हाट इज अ क्रोनिक कैरियर, क्रोनिक कैरियर की हम बार बार बात कर रहे थे. क्रोनिक कैरियर हम कब कहेंगे, इंडिविजुअल्स हु एक्सक्रीट साल्मोनेला टाइफी फॉर 3 months और मोर आफ्टर इन्फेक्शन आर रिगार्डेड एज क्रोनिक कैरियर. तो ये डेफिनेशन है क्रोनिक कैरियर का, 3 महीने तक अगर आपका जो है साल्मोनेला टाइफस को आपने नहीं तो उसको हम क्रोनिक कैरियर कहेंगे. How will we prevent इस तरह करेंगे, जिन चीज़ों से हो रहा था उनको हम हटाते जाएंगे. पहले बात हुई थी कि सबसे जो कॉमन काज है दैट इज़ कंटेमिनेशन ऑफ फूड, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. तो और हमारे हैंड से जो हो सकता है, हैंड्स हमने किसी ऐसी जगह रखे हैं जहाँ साल्मोनेला टाइफस सब पड़े थे और वो हमारे हैंड पे लगे और घर गए और उसी से खाना खा लिया, तो उससे भी चांस ज़्यादा हो जाएगा. सो वॉश हैंड्स, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर कंटेमिनेशन खत्म करने के लिए, क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीवरेज के पानी का असर खत्म करने के लिए, एंड गेट वैक्सीनेटेड. वैक्सीन्स कौन कौन सी होंगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन, एक इंजेक्टेबल है एंड द अदर इज ओरल. एंड ओरल लाइव एटेन्यूएटेड प्रिपरेशन ऑफ TY221A स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है TY21A स्ट्रेन ऑफ साल्मोनेला टाइफस, हैज एफिकेसी इन एंडेमिक रीजंस ऑफ 67-82% फॉर अप टू 5 years. It should not be used in immunocompromised person. Immunocompromised person वो लोग होते हैं जिनमें कोई कार्सिनोमा है, जो स्टीराइड्स पे हैं या किसी immunocompromised immunosuppressant drug पे हैं, तो उनमें हम ये use नहीं करेंगे. Why? Because it is live attenuated. Organism is live, तो वो कभी भी इनमें infection कर सकता है. Proguanil, mefloquine and antibiotics should be stopped from 3 days before until 3 days after the administration of the TY221A. जब आप ओरल स्ट्रेन ओरल दे रहे हैं वैक्सीन, तो तब आप 3 दिन पहले एंटीबायोटिक सारी बंद कर देंगे, और वो लेने के बाद भी 3 दिन तक आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे. बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म है, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हो सकता है वो इस ऑर्गेनिज्म को ही किल कर दें, तो हमने इस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करना बिकॉज इट इज़ बींग यूज एज अ वैक्सीन. द सेकेंड इज capsular vaccine, which is a VI capsular polysaccharide, can be used in person in of age of 2 years or more. It is given as single intramuscular injection, and a booster every 2 years is given. It has a protective efficacy of 70-80%. मतलब 70-80% ये बचाएगा आपको इन्फेक्शन से. So what are your questions? हमारे पास अभी आधा घंटा है. I have MCQs as well. हम वो भी डिस्कस करेंगे लेकिन पहले आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछने प्लीज.
सो इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग क्वेश्चन प्लीज आस्क नाउ, फिर हम आगे मूव करेंगे. Any questions and or any slide which you people want to see again, वो please मुझे बता दें वरना हम MCQs की तरफ move करेंगे. Anyone having any question? ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट एमसीक्यू. प्लीज इसको रीड करें और इसको बता दें ए बी सी है या डी है. प्लीज हर बंदा ट्राई करे इस पे जवाब देने का, ठीक है या गलत है उस पे ध्यान नहीं देना. हर बंदा अपना गैस ही लगाना है. प्लीज़ जो आपको ठीक लगता है वो बता दीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके बी ओके. और कोई
ठीक है, सी और डी भी नीचे वाले पढ़ लें, हो सकता है उनमें से भी कोई हो। जस्ट जो आपको ठीक लगता है आप लोग बताते हैं। ओके okay. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ। सबसे पहले तो हम इसका जवाब देखते हैं कि क्या था। सो इट इज सी। पैरा टाइफाइड इज मोर कॉमन अमंग न्यू कमर्स टू द अर्बन एरियाज। सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं कंफ्यूजन से, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज द स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट अबाउट रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइफाइड फीवर? रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वाज सेवरल नॉन ह्यूमन वैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर टाइफाइडल सालमोनेला। नहीं, इसमें एक मक्खी और एक काकरोच हमने पढ़ा था, वो भी बहुत लिमिटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट वैक्टर्स ऑफ टाइफाइड। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जो एक मक्खी या काकरोच वो यहाँ से लेकर पता नहीं कहाँ तक चला जाए। बट अ पर्सन अन अ ह्यूमन बीइंग कैन ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्ट और सलमोनेला टाइफस फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका। सो सेवरल नॉन ह्यूमन वैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर टाइफाइडल सलमोनेला। ओनली ह्यूमन इज अ नॉन वैक्टर, इज अ वैक्टर फॉर सलमोनेला टाइफस। तो ये पहले वाला हमारा गलत हो गया। सेकेंड इज टाइफाइड रिक्वायर अ मच हायर इनाकुलम टू इन्फेक्ट देन पैराटाइफी, एंड पैराटाइफी इज मोर एंडेमिक इन रूरल एरियाज। ये आखिरी बात को तो छोड़ देना, पैराटाइफ इज मोर एंडेमिक इन रूरल एरिया। शुरू वाले पे गौर करें, टाइफाइड रिक्वायर्स अ मच हायर इनाकुलम। हमने पहले डिस्कस किया है कि टाइफाइड का जो होगा बुखार वो पैराटाइफिक के नस्बत ज़्यादा सीवियर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम जहन में रखें तो टाइफस की जब हम बात करें तो उसके थोड़े से भी ऑर्गेनिज्म आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर देंगे, लेकिन पैराटाइफिक क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन करता है, लेस सीवियर इन्फेक्शन करता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे। तो ये उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। पैराटाइफी इज मोर कॉमन अमंग न्यू कमर्स टू द अर्बन एरियाज। अब देखिए अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो टाइफाइड की वैक्सीन ले चुकी होती है, मतलब कोई ना कोई तो लोग लेते हैं ना, तो उसमें ये हुआ। लेकिन उसमें पैराटाइफाइड के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, अर्बन एरियाज में वैक्सीनेशन की वजह से टाइफाइड कम होता है, पैराटाइफाइड ज़्यादा होता है। ठीक है, नो जेनेटिक कंपोनेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये तो आपको वैसे पता चल गया, कुछ ना कुछ तो जेनेटिक लाजमी होता होगा जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। ये तो इस तरह का अगर आ जाए तो ये तो ऑप्शन वैसे ही आपका निकल जाएगा। सो पैराटाइफाइड इज मोर कॉमन अमंग न्यू कमर्स टू द अर्बन एरियाज, प्रोबेबली बिकॉज दे टेंड टू बी इम्यूनोलॉजिकली नेव टू इट। ठीक है, जो पहले से रह रहे हैं वो तो पैराटाइफिक के थोड़े बहुत इम्यून हो चुके हैं, जो नए आए हैं उनको पैराटाइफिक फौरन हो जाएगा। आल्सो ट्रेवलर्स गेट लिटिल आर नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैराटाइफिक फ्रॉम द करंट टाइफाइड वैक्सीन, ऑल ऑफ विच टारगेट टाइफस। तो ये बात समझ आ गई। सेकेंड इज टाइफाइडल सलमोनेला हैव नो नॉन ह्यूमन वैक्टर्स, ये भी बात खत्म हो गई। नेक्स्ट इज एन इनाकुलम एज लो एज 1 लाख ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड कॉजेज इन्फेक्शन, यही बात के ये बहुत सीवियर होता है इन मोर देन 50% ऑफ द हेल्थी वॉलंटियर्स। पैराटाइफाइड रिक्वायर्स अ मच हायर इनाकुलम टू इन्फेक्ट एंड इट इज लेस एंडेमिक इन रूरल एरियाज, हेंस द पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन आर स्लाइटली डिफरेंट। अदर रिस्क फैक्टर्स ऑफ टाइफाइड इंक्लूड वेरियस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, दीज रिस्क फैक्टर्स ऑफन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू अदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? इसमें कोई मसला को टेंशन प्लीज बता दीजिए या नेक्स्ट पे चलें। शुड वी मूव टू नेक्स्ट? ओके ओके जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके okay.
और कोई, हर बंदा अपना अपना बताया जो जेन में आ रहा है। कल तो हो गया तो कोई मसला नहीं है, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, और कोई? ठीक है, जी और कोई? बी सी डी में से कोई सोचना चाहे। ओके, सारे ए हैं। तो इसके जवाब पे जाएं। सी ए। ओके ओके, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग अभी भी बता रहे हैं। डी, गुड, ओके। ओके, जी वी आर मूविंग टू द आंसर नाउ। किधर की? ये, सो इट इज बी, किसी ने भी बी नहीं कहा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेनी, मुझे भी ये नहीं आते थे, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं भी आपकी तरह अभी पढ़ रहा था तो मुझे भी ये नहीं आया था। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ द टाइफाइड फीवर। ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, सीधा आपके स्टेटमेंट में आपको बता दिया गया कि आपने देखना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज द हॉलमार्क स्टेप लैडर फीवर पैटर्न ऑफ टाइफाइड फीवर अकर्स इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द केसेस। शुरू वाली बात जो है, हॉलमार्क स्टेप लैडर फीवर पैटर्न, यहाँ तक पढ़ के बंदा कहता है कि लो जी ये तो मेरा पक्का जवाब हो गया, क्योंकि हमें पता है कि स्टेप लैडर फीवर पैटर्न होता है। लेकिन आखिरी लफ्ज़ों पे हमने गौर ही नहीं किया, इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ये जो स्टेप लैडर पैटर्न है ये ओनली फ्यू पेशेंट्स में होता है, वास्ट मेजॉरिटी में नहीं आता। और चिल्ड्रन में, मतलब पीड्स वालों में जो बच्चे होते हैं उनमें तो ये पैटर्न हमें मिलता ही नहीं है, एडल्ट्स में मिलने मिलता है, और बहुत कम पेशेंट, अबाउट 10% केसेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आखिरी लाइन है उसकी वजह से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो, वास्ट मेजॉरिटी की वजह से पहला ऑप्शन गलत हो। सेकंड इज यंग चिल्ड्रन एंड सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट्स डिवेलप डायरिया एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एसोसिएटेड विद टाइफाइड फीवर। इसको हम डिस्कस अभी करते हैं। सीवियर आइसोलेटेड हेडेक्स आर कॉमनली अमंग द इनिशियल प्रेजेंटिंग सिम्टम। हमने पहले देख लिया था प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में, उसमें फीवर हमारी इनिशियल सिम्टम आमतौर पर होती है, उसमें हेडेक नहीं थी, ये गलत हो गया। इन द क्लासिक टाइफाइड फीवर सिंड्रोम पैटर्न गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन टिपिकली स्टार्ट इन द थर्ड वीक। ये फर्स्ट वीक के एंड और सेकेंड वीक के स्टार्ट में शुरू हो जाती है, तो थर्ड वीक तक ये नहीं जाती, थर्ड वीक से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमारा डी भी गलत हो गया। सो एक्सप्लेनेशन जब हम इस सब की देखेंगे तो उसमें ये द क्लिनिकल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद सल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी आर इंडिस्टिंग्विशेबल, ये हमें पता चल गया। लेकिन उसमें थोड़ा सा पैराटाइफी में लेस सीवियर होगा, टाइफी में ज़्यादा सीवियर होगा। टाइफाइड फीवर बिगेंस 7 to 14 days आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। 4 to 14 हमारे मुताबिक जो इसका इनक्यूबेशन पीरियड था, 4 to 14 आप कर लें। द फीवर पैटर्न इज स्टेप वाइज करेक्टराइज बाई राइजिंग टेम्परेचर ओवर द कोर्स ऑफ ईच डे दैट ड्रॉप्स बाई द सब्सिक्वेंट मॉर्निंग। तो स्टेप लैडर पैटर्न हो गया, लेकिन ये अभी आगे बात करते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस द नोटोरियस जीआईटी मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज डेवलप। तो जो डी ऑप्शन था उसका जवाब हमें यहाँ पे मिल गया कि ओवर द कोर्स ऑफ द फर्स्ट वीक के एंड पे या सेकेंड वीक में हमारी इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत हुआ था। दीज इंक्लूड डिफ्यूज अब्डोमिनल पेन एंड टेंडनेस एंड सम केसेस फेरस कोलेकिराइट अब्डोमिनल पेन। Young children, individual with AIDS, and 1/3 of the immunocompetent adults who develop typhoid fever develop diarrhea rather than constipation. तो इन patients में, young children में हमारे पास जो बच्चे आते हैं mostly वो diarrhea के साथ आते हैं, लेकिन adults में आप देखेंगे constipation के साथ होंगे। तो जो immunocompetent होते हैं, individual with AIDS होते हैं, 1/3 of the immunocompetent, वो उनमें ज़्यादा constipation और वो diarrhea होता है instead of constipation। तो ये वाला हमारा आंसर ठीक था। नेक्स्ट इज द स्टेप लैडर फीवर पैटर्न दैट वॉज वंस द हॉलमार्क ऑफ टाइफाइड फीवर नाउ अकर्स इन अबाउट 12% ऑफ केसेस। इन मोस्ट कंटेम्प्रेरी प्रेजेंटेशन ऑफ द फीवर, द फीवर हैज अ स्टेडी इंसिड्यूअल आंसर। तो ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई ऑप्शन जो आप दोबारा डिस्कस करना चाहते हो या नेक्स्ट पे चलें? अगर क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
शुड वी मूव टू नेक्स्ट इफ आप लोगों को ये क्लियर है तो। ओके जी ये ले थर्ड क्वेश्चन। और कोई कुछ सोच रहा हो कि बी गुड और बी। और कुछ सोचना चाहता हो बी के अलावा? बी नहीं है, इसको छोड़ दें। और कुछ सोचें, सेकंड ऑप्शन। आप अगर आप लोग जो पहले जवाब दे चुके हैं, अगर इनमें से कोई और देखना चाहें। ओके ए और सी। ओके सी। ओके गुड। ओके जी वी आर मूविंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी सी इज द राइट आंसर। पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सवाल क्या था। इट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट रिगार्डिंग कल्चर ऑफ द टाइफाइड फीवर। कल्चर हमने बात की थी कि कल्चर इज द रूट। आप ये नहीं कहोगे कि इसको टाइफाइड है, तो स्टूल कल्चर को आप जेन से निकाल भी दें, कोई भी कल्चर लिखा हुआ हो, तो अगर वो एक ही पूछ रहा है अलोन का अगर लफ्ज आ गया तो वो आपका गलत है, उसको आप टिक नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन वाज ब्लड इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस एंड स्टूल कल्चर रिजल्ट्स आर ओनली पॉजिटिव इन 20-30% ऑफ द पेशेंट्स हु प्रेजेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑनसेट। फर्स्ट वीक ऑफ ऑनसेट मतलब अर्लीस्ट ऑनसेट, जैसे ही वो प्रेजेंटेशन हुई है, जैसे ही ऑनसेट हुआ है सिम्टम्स का, बच्चा आ गया है, तो फर्स्ट वीक में आपकी हाईएस्ट यील्ड होती है। क्यों? बिकॉज उस वक्त वो एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं ले रहा होता। 20-30% तो सेकेंड और थर्ड वीक में जाके होगा, फर्स्ट वीक में 60-70-80-90% होता है। ओके तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारी गलत होगी। कल्चर ऑफ बोन मैरो स्प्रेड इज 90% सेंसिटिव अंटिल एट लीस्ट 5 days आफ्टर एंटीबायोटिक्स आर इनिशिएटेड। 5 दिन के अंदर अगर एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप बोन मैरो का सैंपल ले लेंगे तो वो 90% तक आपको सेंसिटिविटी उसकी होती है। ये ऑप्शन ठीक है। 5 दिन के बाद बोन मैरो कल्चर की सेंसिटिविटी डिक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है। यूरिन कल्चर इज द क्राइटेरियन स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक। मैंने पहले बात की, कोई भी एक चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी एक चीज़ डायग्नोसिस के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, तो यूरिन कल्चर भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता अकेले। ठीक है। एक्सप्लेनेशन द क्राइटेरिया स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर हैज लॉन्ग बीन कल्चर आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कल्चर ऑफ वाइडली कंसिडर 100% स्पेसिफिक। कल्चर ऑफ बोन मैरो स्पिरिट इज 90% सेंसिटिव अंटिल एट लीस्ट 5 days आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। और दिस टेक्निक इज एक्सट्रीमली पेनफुल विच मे आउटवेट इट्स बेनिफिट। तो इसलिए हम बोन मैरो आमतौर पर नहीं करते होते। पहले बात हो चुकी है कि दिस इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर, तो हम इन्वेसिव की तरफ नहीं जाएंगे, नॉन इन्वेसिव पे रहेंगे। ब्लड इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस एंड स्टूल कल्चर रिजल्ट्स आर पॉजिटिव फॉर साल्मोनेला टाइफस इन एप्रोक्सीमेटली 85-90% ऑफ द पेशेंट विद टाइफाइड फीवर हु प्रेजेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ऑनसेट। फर्स्ट वीक में हाईएस्ट सेंसिटिविटी होती है। दे डिक्लाइन टू 20-30% लेटर इन द डिजीज कोर्स। In particular, stool culture may be positive for salmonella typhus several days after ingestion of the bacteria scan to the इसको छोड़ दें। Multiple blood cultures yield a sensitivity छोड़ दें। Next, should we move to the next? ये ले जी, खुद ही आ गया।
कौन बताया गया थे? ओके जी, सी सी और सी नहीं है, छोड़ दें और सोचें। सी को भी पढ़ें लेकिन सोचें नहीं। ओके बी बी ओके, और कुछ किसी के जहन में और कुछ आ रहा हो? अभी हम ये वैसे डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले हमारे उसमें प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस हो चुका है, तो ये तो आपको ठीक जवाब देना चाहिए। ओके सलाहुद्दीन ए, ओके ए गुड। डी डी वाला अभी डिस्कस करते हैं, वो बकर। बी ओके ओके, वी आर मूविंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो है आपके पास ए। स्टेटमेंट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट रिगार्डिंग द वर्कअप ऑफ टाइफाइड फीवर। डायग्नोसिस आपके जहन में आ गया कि डायग्नोस कैसे करना है? पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पे कहा था कोई भी एक चीज टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो जहन से निकाल दें। ठीक है, खैर वर्कअप में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले कल्चर्स डिस्कस किए थे जिसमें ब्लड कल्चर था, यूरिन एंड स्टूल था, बोन मैरो था, देन वी मूव टू एंटीबॉडी एंड एंटीजन, देन वी मूव टू विडाल, फिर हमने सीरोलॉजिकल टेस्ट किए थे जिसमें सीबीसी हमने डिस्कस की थी, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकलीमिया डिस्कस किया था, डिरेंज्ड पीटी और एपीटीटी विद डिक्रीज्ड फाइब्रिनोजन लेवल किया था। ठीक है, विडाल टेस्ट वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउ। ओके, तो ये हम सारी डिस्कशन वैसे कर चुके हैं। फर्स्ट इज माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकलीमिया आर कॉमन इन पेशेंट विद टाइफाइड फीवर। यस, ये हम स्लाइड में देख चुके हैं, हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकलीमिया होता है, ये हमारा जवाब ठीक हो गया। सेकंड पढ़ते हैं कि क्यों ठीक नहीं है। एस इज दैट आइडेंटिफाई साल्मोनेला एंटीबॉडीज आर एंटीजन आर सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। नथिंग इज सफिशिएंट, नथिंग, नो नो सिंगल टेस्ट इज इनफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर, तो हम इसको कभी भी एक टेस्ट को ये नहीं कहेंगे कि दिस इज इनफ, कल्चर चाहिए हमें कल्चर। ठीक है, द विडाल टेस्ट इज फ्रीक्वेंटली यूज टू सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। ठीक है, अगर इसमें एसेज की जगह ब्लड कल्चर होता, हाँ ब्लड कल्चर ऐसी चीज़ है या बोन मेरो कल्चर ऐसी चीज़ है जो आप सिंगल भी हो तो उसको मान सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी को नहीं। विडाल टेस्ट इज फ्रीक्वेंटली यूज टू सपोर्ट द डायग्नोसिस, विडाल टेस्ट वाज फ्रीक्वेंटली यूज, अब यूज नहीं किया जाता, मैंने बताया था कि ये पुराना टेस्ट हो चुका है, अब यूज नहीं किया जाता। मोस्ट पेशेंट विद टाइफाइड फीवर हैव अ स्लाइटली डिक्रीज्ड, नहीं इंक्रीज्ड, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, इंक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम होता है, और फाइब्रिनोजन लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। हम जल्दी जल्दी उस स्लाइड पे चलते हैं जिस पे ये लिखा हुआ था, ठीक है, उसके बाद हम उतर आएंगे। ये जी हमारे पास है स्लाइडली एलिवेटेड पीटी एंड एपीटीटी डिक्रीज फाइब्रिनोजन लेवल, नीचे वाले लाइन पे है माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकलीमिया। ओके ओके जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्थ, ये माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकलीमिया आर कॉमन इन पेशेंट विद टाइफाइड। Most patients with typhoid fever also have a slightly elevated PT and APTT and decreased fibrinogen level. As is that identifies salmonella antibody diagnose spot that ये spot करते हैं लेकिन ये काफी नहीं होते diagnosis of the, but these results should be confirmed with cultures, culture की बात आ रही है, DNA evidence. The Vidal test was the mainstay of typhoid fever diagnosis for decades. It is used to अब नहीं है, बात खत्म हो गई, clear हुआ ये? Next पे चले, should we move to the next question? Okay, जी, here it is. ये लीजिए। Thank you.
जी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, और कोई? ओके, ए डी, ओके गुड। और कुछ? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए टेंशन फ्री होकर जवाब दें, इसके बाद हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ओके सी। और कुछ? बी डी गुड। और सोचें। ओके जी, वी आर मूविंग टू द आंसर। हमारे पास 5 मिनट है, हमने डिस्कस करना है, तो हम इसका आंसर, सो डी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर? ट्रीटमेंट पे आ गए। फर्स्ट है, ट्रीटमेंट शुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर कंफर्मेटरी टेस्ट। नहीं, हमेशा बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कल्चर तो 3 दिन लेगा, तो 3 दिन हम बच्चे को एंटीबायोटिक्स के बगैर तो नहीं रख सकते फीवर के साथ। तो हम उसका कल्चर लेके उसके बाद टेस्ट आता रहेगा, रिपोर्ट आती रहेगी, तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। कोलिसिस्टेक्टमी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग द कैरियर स्टेट। वी हैव नॉट डिस्कस्ड द ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर स्टेट एज कोलिसिस्टेक्टमी, तो कोलिसिस्टेक्टमी की ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड इज अनकम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर शुड बी ट्रीटेड विद एसटीओनाम और इमीपेनम। क्या हम अभी डिस्कस करते हैं? सेप्टोजेन मे बी इंडिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट फीवर। सो वी आर मूविंग टू द ट्रीटमेंट शीट। जो हमने ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स दिखाई थी उस पे जा रहे हैं। ये देख लें, फर्स्ट है अनकम्प्लिकेटेड, सेकेंड है कॉम्प्लिकेटेड। अनकम्प्लिकेटेड में आप देख सकते हैं कहीं भी एसटीओ नाम या मेरो नाम नहीं है। अनकम्प्लिकेटेड सीधा सीधा बुखार है, वो इन्हीं एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाएगा। जो हमारा ठीक ऑप्शन था वो ये था कि सेफ्ट्रेक्सोन फर्स्ट ऑप्शन यूज किया जा सकता है। यस, ये आप थर्ड में क्विनोलोन रेजिस्टर में देख सकते हैं, सेफ्ट्रेक्सोन यूज किया जा सकता है। एक टर्म है जो अभी हमारे पास आई है, ये अभी आज हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज एक्सडीआर टाइफाइड। एक्सडीआर, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट। पहले हमने एमडीआर तो पढ़ा है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट एक्सडीआर टाइफाइड है, जो इस साल हमारे पास केसेस आना शुरू हो गए हैं। उसमें ये है कि वो हर चीज को रेजिस्टेंट होता है, तो उसमें जो हम ड्रग यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट में जो यूज करते हैं वो इमीपेनम या एसटीओनाम होता है। तो एक्सडीआर टाइफाइड अनकम्प्लिकेटेड टाइफाइड का ट्रीटमेंट इमीपेनम या एसटीओनाम नहीं है, बल्कि एसटीओनाम और जो इमीपेनम है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्सडीआर टाइफाइड, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट, जो आपके एजिथ्रोमाइसिन को भी रेजिस्टेंट है उस पे। तो सेफ्ट्रेक्सोन मे बी इंडिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड, वो हम अभी उसमें देख चुके हैं आपके स्लाइड में कि वो उसका ट्रीटमेंट है। तो ये हमारा सही है। फॉर एम्पीरिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनकम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर सेफेक्सिम आर एज अ सेकंड लाइन, आप एजिथ्रो यूज कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड सेफेक्सिम मे बी यूज एसटीओनाम इमीपेनम आर सेकंड लाइन एजेंट फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ओके, ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डिलेड फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट बिकॉज प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किधर गया, ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। तो आप एंटीबायोटिक्स जितना लेट करेंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी नैरोड वंस more information is available. If antibiotic treatment fails to eradicate the hepatobiliary carriage, the carburetor should be resected. Cholecystectomy की जाती है, लेकिन cholecystectomy is not always successful in eradicating the carrier state because of persisting hepatic injection. ठीक हो गया? कोई questions आप लोगों के इसमें? कोई हमने MCQs में हर चीज discuss कर ली है, आपके रिस्क फैक्टर से लेकर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, कल्चर, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, सब कुछ हमने दोबारा डिस्कस कर लिया, ताकि हमारे एक दफ़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो जाए और हमारा पूरा लेक्चर रिवाइज भी हो जाए। तो अभी कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, हमारे पास अभी भी मेरे ख्याल है 2 मिनट है। जी, एनी क्वेश्चन सर? MCQ नंबर 2 दिखा दें। ओके, MCQ नंबर 2 ये है जी।
इसकी पिक्चर ले लें, ये बाद में मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देता हूँ, उसकी भी पिक्चर ले लें, बाद में बैठ के पढ़ लीजिए, फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, या मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग जो भी इशू आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। जी ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर कोई भी आपको इस लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में कोई इश्यू होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप प्लीज़ इसकी भी पिक्चर ले लीजिए, सो दैट आपको बाद में पढ़ें आराम से बैठ के, तो कोई टेंशन हो तो। सर स्लाइड शेयर कर सकते हैं? स्लाइड्स कैसे शेयर करते हैं? मैं आप कहते हैं तो स्लाइड्स को वो दोबारा चला देता हूँ, आप उसकी पिक्चर्स ले लें, मुझे वैसे ये नहीं पता कि इसको शेयर कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, मैं पूछता हूँ बंदे से। जी मैं आप अब्दुल मुनीस, आप ऐसा कीजिएगा बेटा, मुझे ना आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा लेक्चर ईमेल कर दूंगा, ठीक है? चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका, अगर सर ईमेल पर एक को भेज देना, ओके हो गया, आप लोग जो भी मुझे ईमेल करेंगे मैं इंशाल्लाह उसको सेंड कर दूंगा, आप फिर सबको दे दीजिएगा, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।